तो देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक खबर फैलाने वाले अकाउंट पर कार्रवाई करने की बात कही है, और जिसके बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब खातों की जांच हो रही है। वहीं शिकायत मिलने के बाद ट्विटर ने कुछ हैंडल को उनके ट्वीट हटा दिए हैं। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 100 पोस्ट और यूआरएल हटाने को कहा है। इसका असर भी दिखा है। ट्विटर ने हाल ही में कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट किए जिनके जरिए कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया गया, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा फेक न्यूज फैलाने के लिए ये एक्शन लिया गया, इसलिए नहीं कि हमारी आलोचना की जा रही थी। ट्विटर ने बताया कि सरकार ने कई ट्वीट्स को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कुछ लोग इसके जरिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। इनमें मीडियानामा, कांग्रेस के लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी, बंगाल के मंत्री मुलोय घाटक, एक्टर विनीत कुमार सिंह और दो फिल्म मेकर के ट्वीट शामिल हैं। ट्विटर ने कहा गलत जानकारी रोकना हमारी प्राथमिकता है। हम कोरोना पर गलत जानकारियों को हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिव्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी, ये हमारी प्राथमिकता है। उधर सरकार ने ट्विटर के एक्शन पर कहा कि इन अकाउंट पर एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो सरकार की कोविड के हालात को नियंत्रित करने की शैली की आलोचना कर रहे थे, बल्कि ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ये पुरानी तस्वीरों और गलत खबरों के जरिए जनता में अफवाहें और डर फैला रहे थे। सरकार ने कहा कई ट्विटर हैंडल 24 घंटे सरकार की आलोचना कर रहे हैं, पर हमने इन्हें ब्लॉक करने के लिए ट्विटर से नहीं कहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।